इजराइल और हमास के महायुद्ध की आग विपक्ष के खेमे में लग गई है, क्योंकि वो आपस में ही लड़ रहे हैं। विपक्ष में इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर जंग जारी है। एक बार फिर विपक्षी गठबंधन में फूट की साफ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। न सिर्फ हमला बोला है, बल्कि उन्होंने विपक्षियों को लताड़ दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कुछ नेताओं को हमास की शरण में भी जाने से गुरेज नहीं है। याद दिला दें कि एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए कई विपक्षी नेता फिलिस्तीन दूतावास पहुंचे थे। फिलिस्तीन राजदूत से मुलाकात के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। फिलिस्तीन दूतावास पहुंचने वालों में रालोद नेता शाहिद सिद्दीकी, जदयू नेता केसी त्यागी, बसपा सांसद दानिश अली, सपा नेता जावेद अली खान, CPIM नेता डी राजा, राज्यसभा के पूर्व सदस्य मोहम्मद अदीब, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर समेत CPI नेता दीपांकर भट्टाचार्य शामिल थे। विपक्षी नेताओं की तरफ से फिलिस्तीन को समर्थन देने के मुद्दे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, विपक्ष के कुछ नेता मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमास की शरण में भी जा सकते हैं। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। 7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकियों ने इसराइल में 5,000 रॉकेट से हमला किया। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने फिलिस्तीन का समर्थन शुरू कर दिया। वैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग राय रखने के लिए जान जाते हैं। उन्होंने PCC चीफ कमलनाथ पर हमला बोलते हुए एक बार कहा था कि मुसलमानों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने और RSS का एजेंडा, हिंदू राष्ट्र की वकालत कर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले BJP के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस नेताओं को शोभा नहीं देता है। आचार्य कृष्णम ने जिस तरह से विपक्ष को धोया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।